हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ओएस ब्लॉगर। आज के इस ब्लॉग में हम हैं मथुरा वृंदावन के अगले सीरीज में, और इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा निधि वन और बांके बिहारी के दर्शन। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको हम कराते हैं निधि वन और बांके बिहारी के दर्शन। तो मथुरा और वृंदावन के इस नए एपिसोड में हम हैं निधिवन। पहले एपिसोड में मैंने आपको गोकुल घुमाया था, अब ये दूसरे पार्ट में हम आ चुके हैं निधिवन। और निधिवन के बाद इसी ब्लॉग में आपको दर्शन करने को मिलेगा बांके बिहारी जी का। तो ये आप देख सकते हैं, ये हम निधिवन आ चुके हैं। यहाँ पे आप अंदर चढ़ाने के लिए सजावट की सामग्री खरीद सकते हैं, और इसको चढ़ाने के बाद जो राधा रानी का मंदिर है जहाँ पे रात में कृष्ण भगवान रासलीला करते हैं, वहाँ से जो श्रृंगार का सामान होता है उस मंदिर से आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये आप जैसे निधिवन के पास आएंगे, एंट्री करेंगे, वहीं पे ये दुकानें अंदर मंदिर के अंदर ये दुकानें मिल जाएंगी। ये आप देख सकते हैं, तरह तरह के आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, किस तरह की थाली आप लेना चाहते हैं सजावट की, श्रृंगार की, और लेके आप अंदर चढ़ा सकते हैं। ये आप देखिए, ये है मंदिर के अंदर जाने का रास्ता, यानी निधिवन के अंदर जाने का रास्ता है। ये सामने आपको निधिवन का प्रमुख द्वार दिख रहा है, इसके अंदर आपको निधिवन आएगा। ये सामने आप देख सकते हैं, ये द्वार है, इस द्वार से हम चलेंगे अंदर, और ये आप सामने आपको दिख रहा होगा निधिवन। यहाँ पे आज भी रात में भगवान कृष्ण जी आते हैं और रासलीला करते हैं। निधिवन के बारे में ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण का एक भोला भक्त था, जिसे लोगों ने बोला कि कृष्ण भगवान से उसके जो मालिक हैं वो गाय चरवाते हैं, तो उसको बहुत बुरा लगा और वो कृष्ण भगवान से गाय चराना छुड़ाने के लिए आ गया मथुरा। तब लोगों ने अपने बात में फंसा कर, एक व्यापारी था वो अपने गौशाला में ले गया और अपने गायों की सेवा करवाने लगा और रोज़ खाना भिजवाता था। एक दिन वह किसी कारणवश से खाना नहीं भिजवाया, तो ऐसा माना जाता है खुद भगवान कृष्ण खाना लेकर जाते हैं और उसको अपने भक्त यानी उस चरवाहे को देते हैं। तब वो खाना खा लेता है और खा के वापस जब अपने मालिक के पास आता है तो अपने मालिक को बहुत डांटता है कि मैंने तुमको बोला था कि मैं तुम्हारा गाय चराऊँगा और तब से तुम कृष्ण को यानी गोपाल को गाय चराने मत भेजना, लेकिन फिर भी तुमने भेज दिया। तो वो मालिक बहुत आश्चर्यचकित हुआ, उसने बोला मैंने तो खाना भेजा ही नहीं। तो फिर बोला क्या सबूत है कि तुम्हारे पास कृष्ण आए थे? तो उसने दिखाया, ये देखो ये इसी चुंदरी में बांध कर लाए थे खाना। तो वो देख के आश्चर्यचकित हो गया। फिर वो बांके बिहारी जी के मंदिर के जो पुजारी थे उनके पास इस चरवाहे को लेकर गया, तो पुजारी ने बोला क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? तो उसने उस चुंदरी को दिखाया जिसमें वो खाना लेकर कृष्ण भगवान गए थे अपने भक्त के लिए। तो वो भी पंडित जी भी देख के बहुत आश्चर्यचकित हुए, बोले अरे ये तो वही चुंदरी है जिस पे हम प्रभु का खाना रखते हैं, बांके बिहारी जी का खाना रखते हैं, और ये काफ़ी देर से लापता है, मैं कब से खोज रहा था। तब माना गया कि वाकई में ये भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन देते हैं। मंदिर के पुजारी ने इस चरवाहे को मंदिर में ही बांके बिहारी के लिए चौकीदारी की ड्यूटी दे दी, और ये पूरी रात बांके बिहारी की चौकीदारी करता था। एक दिन इसने देखा कि बिहारी जी मंदिर से निकल के मंदिर के तीन दरवाजे जो कि बंद थे, तो बिना खोले हुए मंदिर से निकल जाते हैं और कहीं जाते हैं। तो ये दो तीन दिन देखा, फिर एक दिन इनका पीछा किया, तो पीछा करते हुए उसने देखा कि बांके बिहारी वहीं पे बगल में स्थित निधि वन में जाते हैं। निधि वन का दरवाज़ा बंद था लेकिन उसी दरवाजे से वो अंदर घुस जाते हैं। तो इसने क्या किया कि जो निधि वन का जो बाउंड्री है, तो बाउंड्री को छलांग लगा के उसके अंदर गया। तो अंदर जाके ये देखा कि प्रभु गोपियों के साथ वहाँ पे रासलीलाएँ कर रहे हैं, और रासलीलाएँ करते हुए नाचने में इतने मगन थे कि उनका एक एक ज्वेलरी गिरता जा रहा था, इस तरह से करके सारा ज्वेलरी उनका उसी निधिवन में गिर गया। तो ये क्या किया चरवाहे ने कि पूरा ज्वेलरी उठा के अपने गमछे में बंद कर लिया। फिर उनको बोला चलो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? प्रभु
इस भक्त को इंसान के रूप में देखते थे, तो इसने प्रभु को वहां से लेकर मंदिर में जाने के लिए बोला। तो प्रभु भी इसके साथ तैयार हो गए, चलो चलते हैं मंदिर। तो मंदिर आते आते सुबह के 4 बज गए। तो जैसे ये मंदिर पहुंचा, प्रभु अंदर चले गए, तब तक मंदिर के पुजारी आ गए मंगला आरती के लिए। तो जैसे ही वो गेट खोले तो इसने पंडित को रोक दिया, अरे अभी गेट क्यों खोल रहे हो, अभी तो वो आके सोया ही है। तो बोला कौन सोया है, तो बांके बिहारी। तो बोला कैसे, तो इसने पूरी जो ये जो घटना थी सब बताया पंडित को कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो पंडित जी बोले तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, तो बोला ये देखो मेरे गमछा में वहाँ पे पूरा जो ज्वेलरी था वो गिरा दिया था और मैं इसको निकाल के बटोर के वहाँ से लाया हूँ, आप देख सकते हैं। तो पंडित जी ने देखा तो बोले कि अरे ये तो वही ज्वेलरी है। तो बोले अच्छा ठीक है मैं जगाऊंगा नहीं, एक बार गेट खोलें, चलो हम देख लेते हैं क्या है। तो गेट खोल के जैसे ही मंदिर के अंदर पुजारी घुसते हैं तो देखते हैं जो बांके बिहारी जी की जो मूर्ति है, मूर्ति के ऊपर जो ज्वेलरी लगे थे वो ज्वेलरी वहाँ से गायब थे, यानी ज्वेलरी नहीं थे, टूटे थे, जो थे वो टूटे बिखरे हुए थे मंदिर में, बिखरे हुए थे और कुछ तो थे ही नहीं, जो कि इस ग्वाले के गमछे में जो बांध के लाया था उसमें था। तब से बांके बिहारी जी का मंगला आरती नहीं होता है और तभी से ये माना गया कि प्रभु हर रात निधिवन में आते हैं और रास लीलाएं करते हैं, डांस करते हैं। इसीलिए यहाँ पे आज भी हर रोज हजारों भक्त प्रभु के दर्शन के लिए आते हैं और निधिवन में स्थित राधा रानी के मंदिर में सिंगार के सामान चढ़ाते हैं और वहाँ से चढ़ा हुआ सिंगार का सामान वापस लेके घर जाते हैं। निधिवन में आज भी हर रात प्रभु आते हैं और रासलीला करते हैं। यहाँ पे कोई भी भक्त रात में नहीं रुकता, अगर कोई रुका है तो वो अंधा लंगड़ा या कुछ उसकी मृत्यु हो जाती है, कोई इस निधिवन की शक्ति को झेल नहीं पाता। ये आप देखिए ये जो सामने मंदिर है ये राधा रानी का ही मंदिर है, यहाँ पे माना जाता है कि प्रभु की मूर्ति यहीं से निकली, प्रकट हुई थी। यहाँ पे जो भी आता है भक्तों की ये भीड़ देखिए, भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पे भक्तों की काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ आज भी हर रात सेज सजता है प्रभु का, वहाँ पे भोग रखा जाता है, पान रखा जाता है, लड्डू रखा जाता है रात में और मंदिर को बंद कर जाता है। सुबह उठ के जब यहाँ पे पुजारी आते हैं मंदिर खोलते हैं तो सब कुछ बिखरा होता है, पान चबाया हुआ होता है, लड्डू का भोग लगा हुआ होता है। यहाँ इससे मालूम पड़ता है कि आज भी बांके बिहारी इस निधिवन में आते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं निधिवन के बाद ये हम आ चुके हैं बांके बिहारी मंदिर की तरफ। ये बांके बिहारी मंदिर का इलाका है, यहाँ पे देखिए ये पूरी दुकानें हैं दोनों तरफ, यहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं बांके बिहारी ले जाने के लिए। ये आप देखिए बांके बिहारी मंदिर के बगल का ये इलाका है, यहाँ पे प्रभु की मूर्तियाँ भी मिल जाएंगी। आप यहाँ पे जो भी आता है बाल गोपाल या की मूर्ति भी खरीद के अपने साथ लेकर जाते हैं। और इसी बांके बिहारी मंदिर से ही प्रभु हर रात निधिवन में जाते हैं जो कि मैंने अभी आपको दिखलाया, और उसके बाद ये मैं अब चल रहा हूँ आपको दिखलाने उस बांके बिहारी मंदिर जहाँ पे प्रभु आज भी भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और ये आप अब देख सकते हैं ये है बांके बिहारी मंदिर, सामने है प्रभु का गर्भगृह, आप दर्शन कर सकते हैं। प्रभु के गर्भगृह में वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है इसलिए आपको यहीं से हम दर्शन करा दे रहे हैं, आप दर्शन कर लीजिए। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।